फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब खाने की वस्तुओं की प्रोसेसिंग कर उसे नए रूप में पेश करने के कारोबार से है। बदलते परिवेश के साथ समाज में विभिन्न परिवर्तन देखने को मिले हैं। फिर चाहे ये खान पान में होने वाले बदलाव हो या दिनचर्या संबंधित परिवर्तन, परिणाम स्वरूप फूड प्रोसेसिंग की विविध उत्पाद की मांग तेजी से बढ़ रही है। इनमें से एक है राजमा प्रोसेसिंग बिजनेस, जिसकी जानकारी आप मीडी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी मीडी उद्योग विश्व के माध्यम से लेने वाले हैं। शाकाहारी खाद्य पदार्थों में राजमा सबके भोजन की थाली का मनपसंद हिस्सा है। इसकी खेती रबी सीजन में की जाती है और ये मुनाफे की दृष्टि से अन्य अनाज से बेहतरीन फसल है। राजमा एक तरफ ये स्वादिष्ट और स्वस्थवर्धक है तो दूसरी तरफ इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। आज मार्केट में कई प्रकार के राजमा उपलब्ध है। आइए जानते हैं इस व्यवसाय में उपयोग होने वाले प्लांट एंड मशीनरीज के बारे में। ग्रेविटी सेपरेटर, डिस्टोनर, मैग्नेटिक सेपरेटर, एलिवेटर्स, पैकेजिंग मशीन, इन मशीनों की आवश्यकता होती है। रॉ मटेरियल्स, इस व्यवसाय में उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल्स है किडनी बीन्स यानी राजमा। प्रोसेस, सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी राजमा को इंटेक सेक्शन के बीन में डंप किया जाता है। इसके बाद इसे एलिवेटर के माध्यम से ग्रेडर मशीन में फीड किया जाता है, जहां पर आंशिक रूप से टूटे हुए टुकड़ों के साथ साथ धूल को हटा दिया जाता है। फिर इसे डिस्टोनर में फीड करते हैं, जहां छोटे कंकड़, पत्थर आदि अन्य अनावश्यक कणों को हटा दिया जाता है। इसके बाद इसे मैग्नेटिक सेपरेटर मशीन से पास किया जाता है, जिसकी सहायता से मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी मेटल्स आदि को सेपरेट किया जाता है। आखिर में क्लीन राजमा को पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरह आज हमने राजमा प्रोसेसिंग बिजनेस के बारे में जानकारी ली। ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है या फिर कोई मार्गदर्शन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए दोनों वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और संपर्क भी कर सकते हैं। ऐसे ही और नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।